तो कल इन्हीं से हमने वो लिया था लॉक सेट और इन्हीं से अब चार्जर भी लेने आए हैं। तो गाइस अब हम दूसरी शॉप में आ चुके हैं भाई के पास, तो अब देखते हैं इनके पास मिलता नहीं इसका, यहाँ पे पता करते हैं। वो भाई कह रहे हैं 10-15 मिनट दे दो ठीक आपको दे देंगे, तो देखते हैं कितना टाइम होता है। तो गाइस हमें अंदर नहीं जाने दिए क्या, क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया था, तो टिकट यहाँ से मिलता नहीं। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, गलत जा रहा था वीडियो बनाने के चक्कर में। तो यार ऐसा सीन हो गया कि यार हमें जल्दी जम्मू जाना पड़ेगा, बट पैंगोंग लेक तक जाएंगे, नूबरा नहीं जाएंगे, हम पैंगोंग लेक जाएंगे आज और वहाँ पे घूम के तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें जो है जम्मू जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि जम्मू में कुछ सीन हो गया। चलते हैं पहले भाई के होटल में, फिर कुछ खाते पीते हैं, खाते पीने के बाद फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से हम, ठीक है। तो गाइज़ अब जो है हम सबसे पहले तो पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया। एक्चुअली क्या सीन हो गया यार, मेरा ना जो गोप्रो है, गोप्रो की जो माइक है, माइक जो है ख़राब हो चुका था। मुझे नहीं पता ख़राब हुआ या फिर जो उसकी जो लीड होती है, जो उसका केबल होता है, वो मुझे मैंने शायद गलत लगा दिया, तो मेरी जो आवाज़ है सब बंद हो गई है। जितनी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग थी सारी रिकॉर्डिंग जो है सब फेल हो चुका है और मैंने चेक भी नहीं करा। इतनी बड़ी गलती, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा मेरे गोप्रो ने किया नहीं, बट वैसे गोप्रो की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो हम खड़े हैं, तो यहाँ पे हमारी बाइक के जो ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे मैं वायरिंग चेक कर रहा होता हूँ कि कौन सी वायरिंग शॉर्ट है जिसकी वजह से हमारी बाइक जो है मिसिंग कर रही है। एक्चुअली क्या होता कि 30 किलोमीटर चलने के बाद जो मेरी बाइक है वो मिसिंग हो जाती थी, तो पता नहीं क्या होता था क्या नहीं होता, मुझे नहीं समझ आ रहा था इस वीडियो में। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर शॉर्ट है, और चलो तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे खड़े होकर पहले सोचते हैं कि यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम ले से 35 किलोमीटर आगे खारू तक पहुँच चुके थे। उसके बाद हमें जो है मैकेनिक बोलता है कि आप ले चले जाओ, पैंगोंग चले जाओ मिसिंग में, बट मुझे डर था कि पैंगोंग में ख़राब हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने प्लान किया कि हम वापस जाएंगे यहाँ से। 35 किलोमीटर पीछे जाना ज़्यादा बढ़िया है, 102 या 203 किलोमीटर आगे जाके, तो हम यहाँ से वापस हम जा रहे हैं, मोड़ लेते हैं बाइक। इस टाइम पे जो मेरा मूड था वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ था, और अक्षय भाई का भी बहुत ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि यार 2 दिन हो गए थे हमारी बाइक ठीक ही नहीं हो रही थी, और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगा दिए थे हमने, और लॉक सेट इसका सारा चेंज करवा दिया, कार्बोरेटर इसकी साफ़ करवा दिए थे, बट फिर भी जो है कोई हल नहीं निकल आ रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम में थे हम, ले गए हुए थे और घूम भी नहीं पा रहे थे, तो दैट इज़ वाई। बाकी अब हम जा रहे हैं वापस, देखते हैं 35 किलोमीटर पहुँच पाती है बाइक मिसिंग करते हुए। ये देखो, देख सकते हो आप थोड़ी बहुत जो झटके ले रही है बाइक, तो लाइट ऑन करो, तो जो लोड पे बैटरी पे चल रही थी बाइक, तो लोड अगर जितना दे रही थी उतनी सही चल रही थी बाइक। तो अभी देख सकते हो आप जा रहे हैं हम आस्ते आस्ते आगे को, तो अभी बाकी के आप क्लिप इंजॉय करो। ये देखो ये सब मतलब मिसिंग कर रही थी, और बाकी व्यू आप देख सकते हो, व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था पैंगोंग लेक से पहले पहले, ऐसे लगता है जैसे हम इजिप्ट पहुंच चुके हैं, बट इजिप्ट नहीं है, ये है ले लद्दाख। और इधर जो ग्रीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है इधर की, बट ये है कि यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, धूप बहुत पास थी, जैकेट वगैरह हमने पहने हुए थे, पैंगोंग जा रहे थे। पैंगोंग ले से 205 किलोमीटर है, और बीच में हमें 16,000 फीट हाइट से निकलना था, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है बंदे के लिए। और जो ये क्लिप है, ये क्लिप फास्ट फॉरवर्ड हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो नॉर्मल वीडियो बस ऊपर वाले बटन को मैं क्लिक कर देता था, बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड जो है वीडियो मेरी बनी। मैकेनिक के शॉप पे पहुंचने के बाद जो बाइक मेरी बिल्कुल नहीं चढ़ रही थी, तो धक्का मार मार के बहुत मुश्किल से चढ़ाया हमने बाइक। तो उसके बाद ये देख सकते हो टंकी वगैरह सीट्स वगैरह सब खोल दिए, वायरिंग चेक कर रहे हैं कि कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, बट वायरिंग कहीं से भी शॉर्ट नहीं थी, और हमने सब कुछ चेक कर दिया, और इन्होंने भाई साहब ने मेरा यहाँ पर जो है चार्जर चेंज करवाया। तो चार्जर भाई बोलते कि चार्जर ख़राब है, क्योंकि प्लग खोलो तो बाइक जो है सही चलती थी, प्लग लगाओ चार्जर का तो नहीं चलती थी बाइक सही, तो चार्जर का ही इशू जो है भाई साहब ने बोला। तो अभी हम भाई साहब के पास आए हैं, चार्जर ख़राब था, तो कल इन्हीं से हमने वो लिया था लॉक सेट और इन्हीं से अब चार्जर भी लेने आए हैं। बाकी इनके पास हेलमेट की कलेक्शन चेक करो, बड़ी ज़्यादा ठीक है ना। तो ये ख़राब था हमारा, तो BS3 है।
गाइस हमने चार्जर तो नहीं मिला भाई के पास। एक्चुअली क्या था, हमारा जो किक वाला है, किक स्टार्ट है, वो बहुत कम मिलता है। जम्मू में भी हमें नहीं मिला था, तो बड़ी मुश्किल से हमने जुगाड़ करके लाया था। तो यहाँ पे हमने दो स्टिकर्स ले लिए, एक मैंने ले लिया लद्दाख वाला क्योंकि हमने लद्दाख ट्रिप की है, और उसके बाद गोप्रो वाला लिया जो हमारा फेवरेट, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी सारे बहुत सारे स्टिकर्स पड़े हैं, बढ़िया है। उनके पास जो कलेक्शन पड़े ना यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कलेक्शंस पड़े हैं, जैसे कि ये देख सकते हो गार्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हेलमेट देखो, हेलमेट की हेलमेट्स यहाँ पे, ये हेलमेट्स, ये बैग टैंक बैग है राइनो आरएमसी कुछ कंपनी का, उसके ये ग्लव्स पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गॉग्स भी पड़े हैं आपको अगर राइड पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे टैंकीज पड़ी हुई हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं आपको बढ़िया से। भैया सारी बाइक्स का रखा आपने? अच्छा, सिर्फ रॉयल एनफील्ड का इन्होंने रखा हुआ, बाकी की चेंज देख सकते हो बहुत प्यारे हैं यार, ठीक है बढ़िया है, चलें फिर। तो गाइज़ अब हम दूसरी शॉप में आ चुके हैं बाइक के पास, तो देखते हैं इनके पास मिलता नहीं। 15 मॉडल स्टैंडर्ड है। तो गाइज़ यहाँ पर भी नहीं मिला। चले जी, अब क्या कर सकते हैं, भी ख़राब होना था साला, जम्मू जाके नहीं ख़राब हो सकता था। तो गाइज अभी हम आए हुए थे शोरूम में, तो हमें भाई मिल चुके हैं यहाँ पे। और भाई कैसे हो? बढ़िया, ये जम्मू में होते हैं ज़्यादातर, बट यहाँ पे भी इन्होंने इनका कोई रेंटल बाइक का वो, हाँ क्लासिक बाइक लद्दाख, तो किसी ने रेंट पे बाइक लेनी होगी तो भाई साहब को ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। भैया कॉन्टैक्ट नंबर बता दो आप अपना, 9416480 40, ठीक है। तो सुन लो, आप किसी ने रेंट पे बाइक लेनी है तो आप ले सकते हो इनसे। तो बाकी यहाँ पे अपने दो सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और भाई ठीक हो? कहाँ से, आप लद्दाख से ही हो? हाँ, ठीक है। वीडियो देखते हो? देखता, अच्छी लगती हैं? ठीक है ठीक है, थैंक यू यार, ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। तो ये अपने सब्सक्राइबर थे लद्दाख की, बाकी इसका यहाँ पे पता करते हैं। वो भाई कह रहे हैं 10-15 मिनट दे दो, ठीक आपको दे देंगे, तो देखते हैं कितना होता है। तो गाइस कहीं पे भी नहीं मिला पार्ट, भाई ने अरेंज कर दिया, और भाई ने बोला 10 मिनट दो, कर दे तो मैं अरेंज, तो इन्होंने कर दिया अरेंज। थैंक यू सो मच यार, कहीं नहीं मिल रहा था हमें, हमारे पास भी लास्ट नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो ये अब करते पेमेंट, पेमेंट अंदर करनी भाई, पेमेंट अंदर करनी है, ठीक है। तो पेमेंट करते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो है हमारे बाइक का जो है चार्जर फिट हो चुका है, और अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं अपने होटल को, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, अब हम घूमने भी नहीं जा सकते थे क्योंकि पैंगोंग जो लेक है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती और हमें नेक्स्ट डे निकलना था, तो पूरा पूरा दिन नेक्स्ट डे का भी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता। बट फिर भी दिल रखने के लिए अक्षय भाई का मैं एक बार अक्षय भाई को पूछता हूँ कि चलें, वो कहते हैं कि देख लो जो करना है, तो अक्षय भाई वो आ रहे हैं तो अब वो बैठते हैं, तो हम यहाँ से होटल के भी जाते हैं, हम नहीं जाते पैंगोंग को क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जम्मू के लिए निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जनरल जोरावर, जो हमारे एक शहीद थे, उनके जो शो देखने जा रहे हैं बस। ओके ब्रो, गाइस अभी हम आ चुके हैं जोरावर फोर्ट में, और लेट्स सी कि अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। आवाज़ें तो आ रही हैं, लेट्स सी। बाकी आपको इनकी स्टोरी भी बताऊंगा मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जोरावर सिंह जी की। और तो गाइस अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया था, तो टिकट यहाँ से मिलता नहीं, यहाँ से नहीं मिलता, हमें पता नहीं था एक्चुअली। तो अभी बाकी यार, However, on the scene in 1834, is replete with frequent invasions from outsiders and local battles between Ladakh.